हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, वो सारे ड्रग जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करके अपना इफेक्ट शो करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब ये है, या तो वो उसके स्टिमुलेशन को कॉज करेंगे या तो उसको ब्लॉक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर हमने इसको डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू देयर काम करने के तरीके के हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर, या इसी को हम बोलते हैं कोलिनो रिसेप्टर। सो ऑल दोज रिसेप्टर व्हिच इज बेस्ड ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम, दैट इज एसिटाइलकोलीन, इज कॉल्ड कोलिनर्जो रिसेप्टर। रिसेप्टर होते हैं, हमने पहले ही कहा है, ऑल दोस मॉलिक्यूल व्हिच आर अवेलेबल ऑन द सरफेस और इनसाइड द सेल एंड दे हैव ओनली वर्क टू परफॉर्म दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल और लिगेंड मॉलिक्यूल। यानी कि रिसेप्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो या तो सेल के सरफेस पे पाए जाएंगे या तो सेल के अंदर पाए जाएंगे, और उनका काम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ आने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि ड्रग का मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई जनरल सिग्नल मॉलिक्यूल हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पर्टिकुलरली ड्रग के साथ अटैच करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उनका जो बायोलॉजिकल एक्शन है, जिस पर्पस को सॉल्व करने के लिए आपने ड्रग लिया है, उसको वो सॉल्व करेंगे। इन शॉर्ट, रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करने का काम करते हैं। तो कोलिनोरिसेप्टर या कोलिनर्जिक रिसेप्टर मतलब ऐसे रिसेप्टर जो कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन के हिसाब से बाइंड होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलिनोरिसेप्टर। कोलिनोरिसेप्टर ऐसा रिसेप्टर जो कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करता है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन वर्ड है। कि अगर हम बात करते हैं टाइप की, तो कोलिनर्जिक सिस्टम को या कोलिनोरिसेप्टर को हम दो मेन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा मस्करिनिक रिसेप्टर, दूसरा होगा आपका निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर को हम फर्दर सब टाइप में डिवाइड करेंगे। अगर तो हम निकोटिनिक मस्करिनिक को डिवाइड कर सकते हैं एम के फाइव टाइप में, यानी कि M1, M2, M3, M4 और M5। M1 से लेकर के M5 में जो मेन तीन हैं हमारे, जो है M1, M2 और M3, इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इनके एक्टिवेशन की वजह से कौन सा रिस्पांस मिलता है हमारे बॉडी में, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। M4 और M5 बहुत कम जानकारी इनके बारे में अवेलेबल है, फिर भी हम उसको आने वाले वीडियो में एक टच जरूर करेंगे। उसके बाद अगर आप निकोटिनिक को डिवाइड करते हैं सब क्लास में, तो हम डिवाइड कर सकते हैं NN और NM में। उसके बाद उसकी कौन कौन से काम है इसको हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। एक्चुअली मस्करिनिक रिसेप्टर बेसिकली पाया जाएगा ब्रेन्स में और कुछ पार्ट्स में, जिसको हम लोग देखेंगे ब्रेन्स में यानी कि मस्तिष्क में। तो अगर आपको ज्यादा याद रखना है कि मस्करिनिक रिसेप्टर का जो मेजोरिटी लोकेशन क्या है, तो वह है मस्करिनिक, M फॉर मस्करिनिक, M फॉर मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब ब्रेन। तो ये ब्रेन रिलेटेड पार्ट में ज्यादा अवेलेबल होगा। चलिए हम देखते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, जिसको हमने थ्योरी से हटा करके पॉइंट में कन्वर्ट किया है, ताकि आपको याद करने में, समझने में और उसके कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने में आसानी हो। ये पॉइंट्स इस तरह से लिए गए हैं ताकि आपके किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो MCQs पूछे जाएंगे उसके हिसाब से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर्स की। तो मस्करिनिक रिसेप्टर का पहला है, इट इज अ एग्जांपल और इट इज अ टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। नाउ व्हाट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर? हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर दो एग्जॉस्टिव वीडियो अपलोड किए हुए हैं, एक लेक्चर वीडियो है और दूसरा एनिमेशन वीडियो है। दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कि जी प्रोटीन होता क्या है। हम शॉर्ट में बताते हैं, जी प्रोटीन एक रिसेप्टर का टाइप है जिसमें हम 3 सब यूनिट अल्फा बीटा गामा के डिसोसिएशन DAG पाथवे के हिसाब से काम करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं और उनके एक्टिवेशन के थ्रू डिफरेंट जो मैकेनिज्म है उससे एसोसिएटेड रिसेप्टर के वो परफॉर्म होते हैं। तो अगर हम कहना चाहें कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर में मस्करिनिक रिसेप्टर हैं, वो जी प्रोटीन के पाथवे को, सिग्नलिंग पाथवे को फॉलो करके अपना एक्शन शो करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दे आर स्टिमुलेटेड, ये इनका जो सिक्रीशन है या इनका जो एक्टिवेशन है, अगर हम रिसेप्टर की बात कर रहे हैं तो इनका एक्टिवेशन कहना चाहिए, इनका जो एक्टिवेशन है या स्टिमुलेशन है, इट इज इंक्रीज बाय मस्करिन एंड ब्लॉक बाय एट्रोपिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs में आ सकते हैं, आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में आ सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के मस्करिनिक रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, इनका लोकेशन क्या है। सो दीज आर स्टिमुलेटेड बाय मस्करिन, मस्करिन के द्वारा ये स्टिमुलेट होते हैं और एट्रोपिन के द्वारा ब्लॉक होते हैं। तो कहीं भी अगर आप ऐसे ड्रग पढ़ेंगे जहाँ पर एट्रोपिन वगैरह यूज आ रहा है, उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप ये होगा कि ये कोलिनर्जिक सिस्टम के मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा होगा एट्रोपिन, और मस्करिन के स्टिमुलेट करने की बात करेंगे तो दिस स्टिमुलेटेड बाय मस्करिन। तो इसका एंटीडोट भी इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि अगर एक का स्टिमुलेशन हो चुका है और आपको उसको ब्लॉक करना है, तो उससे जुड़ी हुई कौन सी ड्रग को यूज करना है या कौन से ड्रग का कौन सा नेचर है, उसके हिसाब से आप समझ में आ जाएगा कि वो स्टिमुलेट करेगा या उसको ब्लॉक करेगा, जिसको आने वाले वीडियोस में हम जरूर देखेंगे। फिर हम बात करते हैं इनके लोकेशन की। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मस्करिनिक रिसेप्टर कहां कहां पाया जाता है, लोकेशन उनके।
लोकेशन के हिसाब से ही आपको उनके जो वर्किंग फिजियोलॉजी है या उनके जो काम करने का एक्शन या कहें साइट ऑफ एक्शन के बाद उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। जहां पे जगह होगी उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनका परफॉर्मेंस होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक इफेक्टर सेल पे। हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, यानी कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो अपने आप के कंट्रोल में होता हो, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद है इफेक्टर सेल क्या होता है। इफेक्टर सेल मतलब ऐसा सेल जहां से हमारा न्यूरॉन्स का एंड टर्मिनल अटैच होता है किसी मसल्स पे, और वो मसल्स पे टर्मिनेट होने के बाद सिग्नल को यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसफर करने के बाद अपना एक्शन शो करता है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टर सेल। सिंपल तरीके से कहना चाहेंगे अगर आप, तो ऐसा ऑर्गन, ऐसी बॉडी का पार्ट जिसको कोई सिग्नल मिले और वो अपना एक्शन शो करे, दैट इज कॉल्ड इफेक्टर सेल या इफेक्टर ऑर्गन, जिस पे काम दिखे ये कह सकते हैं इफेक्टर ऑर्गन का। तो ये कहां पाया जाएगा, ऐसे सारे इफेक्टर सिग्नल पे जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि कौन कौन से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। अगर आप वो पहले से देखे नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं जो कि एक जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक समझ में आएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए दिए गए लिंक पे आप क्लिक करेंगे, लिंक आपको यहां भी बोर्ड पे मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले टर्म्स मिल जाएंगे, और अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 की। तो देखिए ये है, पाया जाता है हार्ट में। हार्ट का कंडक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो हमने कहा कि ये ऐसे इफेक्टर सेल पे पाए जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल को कंट्रोल करता है, यानी कि हार्ट, ब्लड वेसल्स, आईज, ग्लैंड ऑफ जीआईटी जो एसिडिफिकेशन करने का काम करते हैं, रेस्पिरेटरी एज वेल एज यूरिनरी ट्रैक्ट, और हम बात करेंगे अगर तो सीएनएस की, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ खास बातें होंगी जिसको हम आगे देखेंगे, बट हाँ कुछ हद तक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है। यहाँ पे इसके लोकेशन का कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर आपको पिछला वीडियो याद होगा तो हमने कहा था कि ऐसे सारे ऑर्गन जो कि ऑटोमेटिकली काम करते हैं, जिसपे हमारा कोई काम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो कहलाते हैं ऑटोमिक नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री फंक्शन के अंदर वो काम करते हैं। तो आप इसमें सारे एग्जाम्पल इनका लोकेशन देख रहे हैं, अगर आपको ये लाइन याद है ऑटोनॉमिक इफेक्टर सेल, तो आपको काफी कुछ जगह याद हो जाएगी। हार्ट, ब्लड वेसल्स, आई, ग्लैंड ऑफ जीआईटी, रेस्पिरेटरी, यूरिन ट्रैक्ट, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि इनका लोकेशन क्या कहता है। फिर हम बात करते हैं अगले रिसेप्टर के, दैट इज निकोटिनिक रिसेप्टर। सो ऐसे रिसेप्टर जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर कहलाते हैं, वो निकोटीन के एक्टिविटी के कारण से स्टार्ट होते हैं और उनको ब्लॉक करता है हमारा ट्यूबरकुलिन। आगे हम देखेंगे, सबसे पहले पहले पॉइंट पे देख लेते हैं, ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल को कंट्रोल करते हैं, या ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल के हिसाब से कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे हमने आयन चैनल ना लिख करके कैटायन चैनल लिखा हुआ है, क्योंकि आयन चैनल में पॉजिटिव चार्ज का भी आना हो सकता है, नेगेटिव चार्ज का भी आना हो सकता है, बट अगर आप स्पेसिफिकली निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करते हैं तो ये लिगेंड गेटेड तो चैनल है, आयन चैनल तो है, ये आयन चैनल में भी स्पेसिफिकली इट इज अ कैटायन चैनल, यानी कि ये सिर्फ अपने अंदर से पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को अंदर आने देगा। वैसे आपके लिए बहुत सिंपल सा होगा, बताना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कैटायन या एनायन के बारे में जानकारी नहीं है, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कैटायन पॉजिटिव है या एनायन पॉजिटिव है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप कैट को बाहर देख रहे हैं, ये कैट में अगर आप टी लिखेंगे तो कुछ इस तरह से टी बन रहा हुआ है, जो कि एक दिखाता है पॉजिटिव चार्ज को, जो कैटायन स्टैंड फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे जो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं वो लिगेंड गेटेड कैटायनिक आयन चैनल हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को अपने अंदर आने देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के अंदर आने के बाद जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो आयन चैनल के ओपनिंग होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, वो इनिशिएट होगा। अगला जो पॉइंट है, एक्टिवेटेड बाय निकोटीन, निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए हमको निकोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, या उसका उल्टा बोला जाए तो निकोटीन निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है, और जो ब्लॉक कर सकते हैं, मेजर पॉइंट यही है कि कौन कौन से ड्रग, कौन कौन से मॉड्यूलिंग सब्सटेंस इनको ब्लॉक कर सकते हैं। सो निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए दो मेन सब्सटेंस हैं, ट्यूबरक्यूरिन और हेक्सामेथोकियम, ये तीनों जो चीजें आपके निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन क्या है निकोटिनिक रिसेप्टर्स का, निकोटिनिक रिसेप्टर बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करते हैं, या उनका लोकेशन होता है। नाउ व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियोस में, अगर आपको बेसिक जानकारी होगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मस्कुलर,
न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच दैट्स कॉल्ड साइनेप्स और न्यूरॉन और मस्कुलर यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच का जो जॉइंट है जहां से वो सिग्नल को एक्सचेंज करते हैं जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया है दैट्स कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बाद इसका जो लोकेशन अब है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया मतलब जहां पे ऑटोनॉमिक नर्व सेल दो नर्व सेल आपस में जंक्शन बनाते हो दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। गैंग्लिया मींस अ जंक्शन where two neurons come and meet up but they do not touch each other, there are some specific gap between these two so that they may exchange the electrical signal and generate the chemical signal in the form of neurotransmitters. Different type of neurotransmitter are available as we have discussed in our earlier video. So if you want to know more about the neurotransmitter and their function, please go through the previous videos and the link of that particular unit, unit 1, 2 and 3 are already given in the description box. So next moving to the point that is autonomic ganglia, then adrenal medulla. इनका जो location है वो है adrenal medulla में। हमने इसके ऊपर भी पहले just इसके पहले video में बताया था signaling के case में कि कहां-कहां से कौन-कौन से nerve attach होते हैं, उनका location क्या है। आगे बढ़ते हैं, these are the 5 sub unit। ये एक important point हो सकता है basic जानकारी के लिए, general knowledge के लिए कि इनके 5 sub unit होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर के 5 सब यूनिट होंगे और ये 5 सब यूनिट हैं उसमें से अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये सब यूनिट हैं। उनकी क्वांटिटी के हिसाब से इनकी नंबर 5 हुई है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 2 अल्फा 1 बीटा 1 डेल्टा और 1 गामा है। इस तरह से हमारे पास टोटल होते हैं 5 सब यूनिट जिसको आप यहां से देख सकते हैं। आपके पास इस डायग्राम में हमने एक निकोटिनिक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 सब यूनिट हैं। पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5 तीन पीछे और दो सामने, ये हमारे पास 5 सब यूनिट हैं। और इन 5 सब यूनिट में अगर आप डिपेंड अपॉन द चैनल्स की बात करते हैं तो देखिए अल्फा 2 है, बीटा 1 है, डेल्टा एंड गामा, इस तरह से हमारे पास 5 सब यूनिट होते हैं। अगर इन सब यूनिट में हम एस्टाइकोलिन के स्पेसिफिक बात करेंगे तो जब इन 5 सब यूनिट में से अल्फा सब यूनिट पे एस्टाइकोलिन बाइंड होगा, एस्टाइकोलिन रिसेप्टर के निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो वो सोडियम चैनल की एंट्री को अलाउ करेगा, सोडियम चैनल के इनफ्लक्स को अलाउ करेगा। इनफ्लक्स मतलब होता है बाहर से अंदर आना और इफ्लक्स मतलब होता है अंदर से बाहर जाना। किस भी करस्पोंडिंग आप बात करेंगे वो कहलाएगा इनफ्लक्स और इफ्लक्स। तो यहां पे सोडियम चैनल को अलाउ करेगा अंदर आना, जो कि हमने बोला है कि निकोटिनिक रिसेप्टर आर द लिगेनेटेड कैटायोनिक चैनल। यहां पे आप देख सकते हैं कैटायोनिक चैनल लिखा हुआ है और सोडियम इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस सोडियम इज अ कैटायंस। सो कैटायंस यानी कि सोडियम बाहर से अंदर मूव करेगा, सोडियम का एक्टिवेशन होगा, फिर आगे जाकर के हम देखेंगे कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल बेसिकली इस तरह से डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड, देन हाइपरपोलराइजेशन, इस तरह से सीक्वेंस चलते रहते हैं और हमारा जो कंडक्शन ऑफ नर्व है ये चलता रहता है। और हमने इसके पहले के वीडियो में भी बताया हुआ है नर्व कंडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे नर्व कंडक्शन होता है और एट द लास्ट कैसे नर्व टर्मिनेट होता है। ये 5-6 स्टेप आपको जानने जरूरी हैं। एस्टाइकोलिन के सिंथेसिस के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है हमेशा हमारी जो हमने पहले वीडियो में कहा था कि आप कभी भी कोई भी टॉपिक को डायरेक्टली स्टार्ट ना करें, उससे जुड़े हुए पहले के पॉइंट्स को, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आइए तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली किसी एक टॉपिक पे आते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए भले समझ में आ जाए पर बाद में आपको कंफ्यूजन बना रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। सो आप अगर डायरेक्टली इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले की वीडियो जरूर देखें जो कि यूनिट 3 की वीडियोस हैं और उन सबको आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में और इसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि बाइंडिंग, ये हमने बात किया एस्टाइकोलिन पे बाइंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्करिनिक स्पेसिफिकली, आज के वीडियो में हम सिर्फ मस्करिनिक तक खत्म करेंगे। मस्करिनिक रिसेप्टर के 3 सब टाइप हैं, वैसे तो 5 हैं लेकिन हमने कहा कि 3 मेन हैं, M1 M2 और M3। तो हम इन्हीं M1 M2 M3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। M1 के बारे में अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोनल रिसेप्टर। अगर हम बात करते हैं रिसेप्टर की तो ये प्राइमरी रिसेप्टर है, M1 M2 M3 M4 M5 में ये प्राइमरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, which is located on the ganglionic cell, जहां पे दो सेल आपस में जॉइंट होना चाहते हैं, इस सेल के ganglionic पार्ट पे हमारा जो M1 रिसेप्टर है वो लोकेटेड होता है। इसके जो और इसके साथ-साथ एंटेरिक सेल और सेंट्रल न्यूरॉन्स पे भी ये काम करते हैं।
यानी कि इनकी अवेलेबिलिटी होती है, इनका लोकेशन ऐसा होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन ये उठता है कि विच इज द फॉलोइंग इज आइदर और नॉट लोकेशन ऑफ एम1 रिसेप्टर। एम1 रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन गैंग्लियोनिक सेल, एंटरिक सेल और सेंट्रल न्यूरॉन। फिर हम बात करते हैं इनके रोल की, जो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रोल क्या क्या है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सिलेबस के, यानी कि बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से। ये आगे जाके जो ड्रग आप पढ़ेंगे कि ड्रग एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, वहां पर यह काम आएगा। क्योंकि ये जो काम करते हैं इनको इनहिबिट करने के लिए हम बात करेंगे। तो आगे देखें एट्रोपिन ऐसे जुड़ी हुई चीजों को हम बात करेंगे। ब्लॉकर तो वो इन सबको ब्लॉक करेगा, स्टिमुलर तो इन सबको स्टिमुलेट करेगा। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रोल की, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन। हमारे जीआईटी में जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है दैट इज डाइल्यूट HCl, जो कि डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा APHE या HAP में, दैट सिफेलिक फेस, एंट्रिक फेस एंड टर्मिनेशन फेस। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो मेन रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर है वह है मस्करिनिक रिसेप्टर। और उस पर से भी स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो M1 मस्करिनिक टाइप ऑफ रिसेप्टर, ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को भी कंट्रोल करता है। रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, इसोफेगस के लोअर स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए इसका रिस्पांसिबल है M1 रिसेप्टर का। स्फिंक्टर मतलब होते हैं ऐसे एक वॉल ब्लैंक स्ट्रक्चर जो किसी भी चीज को यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है, क्लोज और ओपन होता है। जैसे हमारे इसोफेगल कार्डियक स्फिंक्टर अलग-अलग टाइप के स्फिंक्टर हैं, तो ये इसकी इसोफेगल के लोअर स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। फिर हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। ये इंटेस्टाइन की जो फ्लूइड है, लैक्रिमल फ्लूइड्स वगैरह हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। देन नेक्स्ट है लर्निंग बिहेवियर को भी काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है। लर्निंग एंड मेमोरी के लिए जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है वह है हमारा M1। हम जो भी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, जो चीज़ को समझ रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, तो वो जो साइकोलिन का इंपॉर्टेंस है वो M1 रिसेप्टर को होता है, लर्निंग एज वेल एज मेमोरी। फिर हम बात करते हैं M2 रिसेप्टर की, तो M2 रिसेप्टर का जो लोकेशन है वो है कार्डियक मस्कुलर सेल, यानी कि कार्डियक मसल के जितने भी मसल्स हैं उनमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो M2 रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी होती है, उसकी जगह M1 की जगह M2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। उसके बाद का जो दूसरा लोकेशन है वह है वेगल ब्रेडिकार्डिया। ये जो उसका रोल है वह वेगल ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकता है, वेगस नर्व के द्वारा कॉज हुआ ब्रेडिकार्डिया, इट्स कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। एंड व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया एक्चुअली में, ब्रेडिकार्डिया मतलब पता है हार्ट रेट का कम हो जाना, दैट इज काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ एरिथमिया। हार्ट रेट अगर कम हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट अगर ज्यादा हो जाएगा दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, दो ही टाइप के एरिथमिया होंगे, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन हार्ट रेट, और टैकी या इसी से मिलता जुलता है ट्रैकिंग, ट्रैकिंग इज ऑलवेज स्टैंड फॉर लोअर से ऊपर, पहाड़ चढ़ना इज कॉल्ड ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग अटैकी दोनों चीजें ऊपर जाएंगी, तो हार्ट आपका ऊपर जा रहा है दैट मीन्स टैकीकार्डिया, और आपका बचा ही नहीं दूसरा ऑप्शन, निकल रहा है नीचे जा रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद हम बात करते हैं अगले की, दैट इज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा M2 रिसेप्टर है वो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हम बात करते हैं M3 रिसेप्टर की, तो M3 रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जितने भी विसरल पार्ट हमारे बॉडी में विसरा पार्ट हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट, इनिशिएट या कंट्रोल करने का काम करता है हमारा M3 रिसेप्टर। उसके बाद है ग्लैंडुलर सिक्रेशन, जो भी ग्लैंड है उनके अंदर से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को सिक्रीट करने के प्रोसेस को कंट्रोल या रेगुलेट करता है हमारा M3 टाइप ऑफ रिसेप्टर। एंड एट द लास्ट हम बात करते हैं वैसोडाइलेशन की, तो जो M3 रिसेप्टर है वैसोडाइलेशन करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास आज के वीडियो में हमने शॉर्ट में देखा कितने टाइप के कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक और मस्करिनिक, उसके सब टाइप देखे, उनके इंपॉर्टेंट लोकेशन देखा, उनके रोल देखा, और हमने बात किया रोल में सिर्फ आज बात किया मस्करिनिक रिसेप्टर के M1, M2 और M3 के बारे में। इनके एक्शन को देख करके आपको समझ में आ जाएगा आगे आने वाले समय में कि कौन सा ड्रग अगर इस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे काम करता है तो वो क्या एक्शन दे सकता है। जैसे अगर कोई वैसोडायलेटर्स है M2 रिसेप्टर पे काम कर रहा है, तो अगर आपको वैसोडायलेशन को रोकना है तो ऐसे ड्रग को ब्लॉक करना पड़ेगा जो कि M3 रिसेप्टर पे काम करते हैं। इसी तरह से हम आगे जाके आने वाले समय में कॉन्सेप्ट लगा करके ये चीज़ें बहुत आसानी समझ पा जाएंगे कि कौन से ड्रग का मैकेनिज्म ऑप्शन क्या होगा। लेकिन उस सब का बेस यही है आपके स्टार्टिंग के पॉइंट, कौन कौन से रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनकी एक्टिविटी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे इसी से आगे बढ़ते हुए कोलिनर्जिक रिसेप्टर के आगे पॉइंट के बारे में, साथ ही साथ ऐसे ड्रग के बारे में जो एगोनिस्ट का काम करते हैं और कुछ ड्रग ऐसे भी जो एंटागोनिस्ट का काम भी करते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे कोलिनर्जोमाइमेटिक और कोलिनोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इसके पहले के वीडियो के पूरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको ऐसे रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली इस वीडियो को ना देखें, पहले के वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके सजेशन को पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अगेन, स्टे कनेक्टेड विद द सॉल्यूशन फार्मेसी।